अखिल राजस्थान आयुष नर्सेज महासंघ के प्रदेशव्यापी आंदोलन पर विगत 2 सप्ताह से काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी नर्सेज ने मंगलवार को अपनी मांगों के समर्थन में एक अनूठी पहल करते हुए अपने औषधालयों में झाड़ू लगाकर सफाई अभियान चलाकर नर्सेज की मुख्य मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शीतरमल सैनी ने अपने कार्यस्थल राजकीय आयुर्वेद अस्पताल खंडेला में सफाई अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि रविवार को हुई महासंघ की कैबिनेट बैठक में लिए गए के अनुसार 1 जून को प्रदेश के समस्त आयुष अस्पताल में झाड़ू निकालकर स्वच्छ बनाने व 5 जून को पर्यावरण दिवस पर हर नर्सेज द्वारा एक एक औषधीय पौधे लगाने का फैसला लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष सैनी ने इस अवसर पर कहा कि कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर में प्रदेश का आयुष नर्सेज कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर बनकर कोविड पॉजिटिव रोगियों की देखभाल में लगा हुआ है, फिर भी सरकार ने मेडिकल नर्सेज की भांति पदनाम परिवर्तन कर आयुष नर्सेज को नर्सिंग ऑफिसर का तोहफा नहीं दिया। इसके चलते उनके मनोबल में भारी कमी आई है। फलस्वरूप आयुष नर्सिंग कर्मी विगत 2 हफ्ते से आंदोलन की राह पर हैं। साथ ही नर्सेज का कैडर रिव्यू और आयुष अस्पतालों के ओपीडी समय में बदलाव नहीं करने से मायूस नजर आ रहे हैं। सैनी ने कोरोना से जंग लड़ने के लिए 550 व 1005 आयुर्वेद ने नर्सेज भर्ती पूर्ण करने की जरूरत पर जोर दिया। महासंघ द्वारा आयोजित सफाई अभियान में रामदेव कोरड़ा, महेंद्र सिंह डूडी, सत्यवीर सिंह, जील यादव, रामावतार लखारा, लेखराज भट्ट, विजेंद्र सिंह, सतीश शर्मा, कैलाश मांडिया, सत्यनारायण सैनी, दिनेश कटारा, हरिराम यादव, लोकेश शर्मा, विशाल सिंह, मोहर सिंह, सोनी, राजेंद्र दादीच, भतेरी बेनीवाल, नथमल स्वामी, मधु चौधरी, सत्यप्रकाश ज्ञानी, रीटा चौधरी, रजनीश, लता, सुमित्रा पारीख, अनिता, अनिल उपाध्याय, प्रदीप भाकर, हरिराम सक्सेना, मोहन अछेरा, ज्ञान सिंह रावत, अशोक कुमार शर्मा, बालमुकुंद शर्मा, कीर्ति शर्मा, पंकज मेला, श्रवण बिरड़ा, हीरा लाल वर्मा, अशोक तिवारी सहित सैकड़ों पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।